काफी बड़े शहर के अंदर ये है, लेकिन मैं मोहब्बत पे चंद छोड़े यार सियारत का देखा भी मैंने एक जगह काफी बड़ा था बस अपनी मस्जिद में ये भी मैंने आवाज की एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर ने अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत कब कायम होगी। हुजूर ने अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत की तैयारी क्या की थी, कितनी नमाजी है, कितने रोजे है, कितने हज है, सदका के नौके दे सदका के क्या कुछ किया है क्या है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आरज किया या रसूल अल्लाह तैयारी को कुछ नहीं की, तैयारी को कुछ नहीं की है, लेकिन सिर्फ मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है, सिर्फ मेरे दिल में आपकी मोहब्बत है। हुजूर ने अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मर्उ मा मन अहब्ब, जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उससे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें भी वो मोहब्बत नसीब फरमाए, सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। और सच्ची मोहब्बत जब हमारे दिलों में होगी वो हमारे चेहरों और जिस्म पे भी नजर आएगी, सच्ची मोहब्बत जब दिल में आएगी वो हमारे ऊपर भी नजर आएगी। मोहब्बत अभी होगी कई कई स्टाइल कहते हैं क्या कहते हैं वो अपनाते हैं, किसी क्रिकेटर का, किसी अदाकार का, किसी उसका क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि उसका अदाकार और क्रिकेटर और उसका उसके दिल के अंदर क्या है मोहब्बत है। कार बना लेते हैं किसी के तरस पे, घूटा लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं किसी के तरस पे, इसलिए कि उस मोहब्बत ने उसको मजबूर किया, वो कोशिश करते हैं कि मैं उस जैसे नजर आऊँ। तो जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी वो कोशिश करेगा कि मैं हुजूर जैसे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नजर आओ, इसलिए वो कोशिश उसकी यही होगी। और उस पे हजरत फरमाए ईमान की तारीफ में उतर रहा था कि एक ऐसे आशिक के रसूल भी आया और उन्हीं थे सहाबा के बारे में जो हसन रजी अल्लाह तआला ने शेर आपके सामने सुना रहे थे, अहसन मिन कलम दरबार तो आएगी वो अजमल मिन कलम दरिद निसा को कुलतम वरा मिन कुल आयन कअन्न लकद खुलत कमा तशाओ। दूसरे और दूसरे अशआर आपके सामने वो सुना रहे थे। मैं भी आपको जीवन के एक हस्ती के एक शेर सुना कर आपने मुखातम कर देता हूँ। जीवन के एक शख्सियत शेख और हिंद से जो मशहूर है महमूद हसन की बंदी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी ऐशक में डूब कर हुजूर के ऐशक में डूब कर वो एक शेर फरमाते हैं। मैं कहता हूँ हर दिल में वो लिखा हो, हर जबान में गुजारी हो, वो जन्नत को हिदायत करके कहता है जन्नत तुझ में हूर और कसूर देता है। जन्नत को मुखातब करके शेख उल हिंद महमूद हसन दीवबंदी रहमतुल्लाह अलैह सबका हो रहमतुल्लाह, जबान को कुछ भी नहीं होगा सबका रहमतुल्लाह अलैह। वो तो फरमाते हैं जन्नत को मुखातब करके ये जन्नत तुझ में हूर और कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर लेते हैं जन्नत के अंदर हूर है। अल्लाह फरमाते हैं हूर मकसूरातुन फिल खियाम, और इस तरह जन्नत के नाम को सब मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन वो फरमाते हैं जन्नत तुझ में हूर और कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर लेते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दिल में हुजूर रहता है कि हमारे अकाबर थे कि उनका इतना के कैसा आशिक था। आखिरी हदीस सुनाकर छोटी सी नस्बत से है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं إن لصاحب القرآن عند كل خطبة دعوة مستجابة وشجرة في الجنة، لو أن قرابا طار من أصلها لم ينتهي إلى فرعها حتى يدرك الغرام. هرم حضور النبي أكرم صلى الله عليه وسلم في الماضي هر صاحب القرآن في قرآن مجيد پڑھتا ہے اور قرآن مجيد کو مکمل کر لیتا ہے तो उस मुकम्मल होने पे अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं, उसकी अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाते हैं। कोई भी साहब हुए तो कुरान मजीद पढ़ता है और कुरान मजीद को मुकम्मल कर दे तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि उसकी दुआ कबूल होती है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगा देता है। लौ अन्ना उरादन फार मिन असलिहा, अगर तक्वा उसके जड़ से बढ़ जाए लम यंतही इला फरहा, उसके शाखों तक नहीं पहुंच सकेगा यहाँ तक कि
کہ کمرے کی عمر زیادہ ہوتی ہے، لکھا کہ کمرے کی عمر 1000 سال ہوتی ہے، اور کمرہ 1000 سال جڑ سے درخت کے جڑ سے بڑھتا ہے اور چلتا جائے قرآن بھرتا جائے، بڑھتا جائے 1000 برس پورے ہو جائیں گے اور کوا بڑا ہو جائے گا لیکن اس درخت کے انتہا تک نہیں پہنچ جائے گا، وہ صاحب قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ